हे गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आपकी प्यारी सी अर्चना। आज सुबह मॉर्निंग में बिग बॉस में बहुत ज्यादा तनाव का माहौल रहा, और वो तनाव का माहौल किस बात पर था, क्यों था, वही चीजें मैं आज आपको बताऊंगी। तो गाइस, सबसे पहले हुआ क्या, अरमान मलिक ने आज शिवानी को कुछ ऐसा बोल दिया जिससे पूरे घर में हलचल मच गई। क्योंकि अरमान मलिक कुछ भी बोलने से पहले जरा भी नहीं सोचते कि किसी के ईगो का हर्ट होगा या नहीं होगा। तो ऐसे ही आज कुछ बिग बॉस के अंदर हुआ, तो वही चीज मैं आज आपको बताऊंगी। तो अरमान मलिक और घर के कुछ सदस्य बाहर गार्डन एरिया में बैठे होते हैं, जिम के एरिया में बैठे होते हैं। वहां पे अरमान मलिक और साई केतन जिम में एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। वहां पे उन दोनों की आपस में वार्तालाप चल रही होती है। इसके अलावा वहां पे घर के और सदस्य भी बैठे होते हैं, जिसमें से साई केतन तो वहां पे होते ही है। उसके अलावा वहां पे लवकेश होते हैं, विशाल कटारिया होते हैं, उनकी खुद की बीवी कार्तिका होती है, कीर्तिका होती है सॉरी। और उसके अलावा वहां पे सना सुल्तान, ये सब वगैरह बैठे होते हैं, और ये आपस में हंसी मजाक कर रहे होते हैं, ये आपस में चुटकुले पूछ रहे होते हैं। तो और अरमान मलिक जो है वो विशाल की काफी मजाक बनाता है उनकी यूट्यूब वीडियो पर, कि वो कहते हैं कि आपकी वीडियो को देख के काफी हंसी आती है, ये है वो है, पता नहीं क्या क्या वो इनसे बोलते हैं। तो वहां पे विशाल को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, पर वो विशाल जो है पलट के कुछ भी नहीं अरमान को बोलते हैं। तभी गार्डन एरिया का माहौल चेंज करने के लिए लवकेश कहते हैं कि चलो चलो मैं आपसे एक ऐसे पहेली पूछता हूँ जिसका जवाब कोई भी नहीं दे पाएगा। तो लवकेश कहते हैं कि तितर के आगे तितर, तितर के पीछे तितर, आगे तितर पीछे तितर, बोलो कितने तितर। तो वहां पे सभी सोच में पड़ जाते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। पर वहां पे जितने भी लोग बैठे होते हैं उनमें से कोई भी इसका जवाब नहीं दे पाते। शिवानी कुमारी वहां पे खड़ी होती है साइड में, वो बैठी नहीं होती उन लोगों के पास, वो खड़े होकर सारी चीजें सुन रही होती है, लेकिन इस पहेली का जवाब वहां पे कोई भी नहीं दे पाता। अरमान मलिक को इस बात का इतना हर्ट होता है, वो उसको ईगो के इतना हर्ट होता है कि उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तभी वो कहता है कि चलो चलो कोई नहीं, मैं अब आप लोगों से एक पहेली पूछता। तो वो मैथ से रिलेटेड कुछ पूछने स्टार्ट कर देता है कि ना 100 में से इतना माइनस होगा कितना बचेगा, इसमें से इतना माइनस होगा कितना बचेगा। तो सब लोग आपस में मतलब उसके बाद ध्यान से सुन रहे होते हैं। तो तभी शिवानी कुमारी वहां पे बोल पड़ती हैं, कहती हैं कि ये सारी बातें हमारे कछु समझ नहीं आ रही है, क्या मतलब आप लोग इस टाइप की पहेलियां पूछ रहे हैं, हमारे पल्ले नहीं पड़ता ये सब कुछ कुछ भी। तो भाई ये शिवानी कुमारी वहां पे बोल ही रही होती है, तभी अरमान मलिक बोलते हैं कि भाई शिवानी जी ऐसा है, आप तो गांव से आई हो, आप एक अनपढ़ अनपढ़ हो, जाहिल गवार हो, आपको ये कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये सब चीजें तो पढ़े लिखे लोग ही समझ सकते हैं, अनपढ़ों को कुछ समझ में नहीं आएगा। अरमान मलिक का कहना ये था कि मैंने तो ये सब मजाक में पूछा था, लेकिन भाई वहां पर शिवानी कुमारी को इन सब चीजों का इतना बुरा लग जाता है, वो कुछ बोलती नहीं है, पलट कर बस उसका चेहरे से पता चलता है कि भाई कोई बंदा अगर किसी को इतना गलत बोलेगा, अनपढ़ जाहिल गवार, वो भी सबके सामने बोलेगा। मुझे तो ये नहीं समझ आता कि अरमान मलिक ने अपनी लाइफ में ऐसे कौन से तीर मार लिया, ऐसा क्या कारनामा कर लिया जिससे वो अपने आप को सातवें आसमान पर समझते हैं। वो दूसरों को नीचे दिखाने से पीछे नहीं हटते हैं, वो दूसरों को कुछ भी बोल देते हैं। और वहां पर जो उनकी बीवी बैठी हुई थी भाई साहब, उन्होंने उसने भी अरमान से ये नहीं कहा था कि आपको ये नहीं बोलना चाहिए था, ये सब गलत है, और वो दांत फाड़ रही थी, मतलब मुस्कुरा रही थी कि भाई उसके हस्बैंड ने कि मेरे पति ने शिवानी की मतलब मजाक बनाई, तो उसको हंसी आई थी इस बात के लिए। तो ये शिवानी कुमारी ने जब कृतिका का फेस देखा कि वो हंस रही है, तो वो वहां से चली जाती है उठकर, वो वहां बैठती नहीं है। तभी पे जो बैठा होता है लवकेश, वो माहौल को चेंज करते हुए फिर से एक पहेली पूछने स्टार्ट कर देता है। गार्डन एरिया से शिवानी कुमारी वहां से चली जाती है और जाकर अपने बेड पे लेट जाती है, और वहां पे जितने भी लोग बैठे होते हैं जिनमें पोलमी होती है, सना सुल्तानी वहीं पे आ जाती है, इसके अलावा और भी लोग वहां 2-3 बैठे होते हैं, तो सब आपस में वहां भी मजाक ही चल रहा होता है। तो वो शिवानी कुमारी के बारे में उन लोगों को पता नहीं होता कि बाहर से हुआ क्या था आखिर। तो वहां पे वो लोग शिवानी कुमारी से पूछने लगते हैं कि शिवानी एक बात पूछूं मैं आपसे, तो कहती है हाँ पूछो आप। तो शिवानी से पूछते हैं कि तुम्हारे गाँव में भाभी को क्या बोला जाता है, तो शिवानी कुमारी इस पर हंसकर कहती है कि हमारे यहाँ पे भाभी को भौजी बोला जाता है। तो कहती है पर भाभी को भौजी बोला जाता है, पर यहाँ पे मेरी कोई भी भौजी नहीं है, मेरी एक भौजी थी जो कि अब वो घर जा चुकी है, यहाँ पर फिलहाल मेरी कोई भी भौजी नहीं है। तभी वहाँ कृतिका मलिक भी आ जाती है, और कृतिका मलिक जब ये बात सुनते हैं ना, तो उसको इतना बुरा लगता है कि बस पूछो मत, तो उसकी आंखों में ना आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो बात कर रही थी वहां पे पायल मलिक की, क्योंकि वहां पे पायल मलिक को ही वो भौजी कहती थी, उसके अलावा वो किसी को नहीं बोलती थी। तो कृतिका जो है इस बात से चिढ़ जाती है, और वहां से फिर उठ के फिर वो बाहर जाती है, अपने पति के पास जाती है, अरमान से बोलती है कि शिवानी इस तरह बोल रही है। तो जो अरमान है वो पलटकर शिवानी के पास नहीं जाता, क्योंकि उसको पता था कि अगर वो शिवानी के पास जाएगा तो राय का पहाड़ बन जाएगा। क्योंकि शिवानी जब बिग बॉस में आई थी उस टाइम शिवानी कुमारी बहुत ज्यादा सीधी थी, उन्हें किसी की बातें समझ नहीं आती थी, वो कम बोलती थी, लेकिन जैसे जैसे बिग बॉस आगे बढ़ता जा रहा है तो वो
भी गैप में अच्छे से घुस गई हैं और वो पलट के जल्दी बोलती नहीं है, लेकिन जब कोई उनको बोलता है, उनको उनकी ईगो को हर्ट करता है, तो वो भी किसी को छोड़ती नहीं है। तो इसीलिए अरमान ने, क्योंकि वहाँ गार्डन एरिया में जो बात हो रही थी वहाँ पे, तो शिवानी कुमारी कुछ नहीं बोल रही थी, लेकिन अगर वो डायरेक्ट उसके मुंह पे जाके कुछ बोलेगा ना, तो शिवानी कुमारी उसको छोड़ेगी नहीं, ये बात अरमान अच्छे से जानता था। इसीलिए उन्होंने शिवानी की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। तो बिग बॉस में आज ये सब हुआ, और मेरा कहना ये है कि अरमान को इस तरह नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि देखो चाहे कोई पढ़ा लिखा हो चाहे कोई अनपढ़ हो, उनसे क्या लेना देना। या तो भाई साहब आप बहुत ज़्यादा महान हो, आप बहुत ज़्यादा ऊंची पोस्ट पर हो, आप भी तो एक वही हो ना, जो वो करती है वही आप भी करते ना, उसके अलावा कुछ नया तो है नहीं आपकी लाइफ में, आपके मतलब आप में आपके जो फैमिली में ऐसा कुछ है नहीं जिसे लोग सीख पाए, ठीक है। तो आपको बोलने का हक किसी ने नहीं दिया कि आप लोग दूसरों को इतना गलत बोलो। तो मुझे भी इस बात का बहुत ज़्यादा बुरा लगा था कि उन्होंने शिवानी को इस तरह बोला, और उस शिवानी ने भी पलट के कुछ नहीं बोला था, वो तो बता रही थी, वो तो रियलिटी बता रही थी कि भाई हमारे यहाँ पे तो भाभी को भाऊजी कहा जाता है, इसमें उसको बुरा लगने वाली कोई बात ही नहीं थी। और हाँ गाइज, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक भी कर दो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दो, ठीक है। ओके, बाय बाय।